समीपस्थ ग्राम कुर्रा में सोमवार को मनरेगा के तहत मजदूरी में भारी कटौती को लेकर ग्रामीणों ने काम का बहिष्कार कर दिया। इस दौरान सभी ग्रामवासी काफी आक्रोशित नजर आए। ग्रामीणों का आरोप था कि इंजीनियर द्वारा बेवजह उनके मेहनत की मजदूरी पर डाका डाला जा रहा है। जब मजदूरी का मूल्य 190 रुपये निर्धारित है तो केवल 100 ही मजदूरी देना समझ से परे है। मेट रोजगार सहायक द्वारा दिए गए सभी कामों का सही पालन करने के बाद भी मजदूरी में कटौती से यह मजदूर काफ़ी परेशान हो चुके थे, जिसके चलते सोमवार को इनका गुस्सा रोजगार सहायक मेट सरपंच व सभी मनरेगा अधिकारियों को देखने को मिला। जब सभी मजदूरों के खाते में 6 दिन के हिसाब से महज 600 रुपये आया तो सभी ने एकमत होकर सोमवार को काम का बहिष्कार कर दिया और इंजीनियर को मौके पर बुलाने की मांग कर कटौती का वास्तविक कारण जानने की मांग करने लगे। पहले तो ग्राम सरपंच गोवर्धन तारक ने आक्रोशित भीड़ को समझाने का प्रयास किया, लेकिन पानी सर से ऊपर जा चुका था। आक्रोशित ग्रामीणों ने सरपंच की एक ना सुनी और केवल इंजीनियर को ही बुलाने की मांग पर अड़े रहे, जिसके बाद लगभग 7:30 बजे इंजीनियर राकेश सोनी को दर्री शीतला तालाब मनरेगा कार्यस्थल पर पहुंचना ही पड़ा। इंजीनियर को पहले ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया, पर इंजीनियर राकेश सोनी ने सभी ग्रामीण वासियों को बिठाया और उन्हें हर सवाल का जवाब देने की बात कही। ग्रामीणों द्वारा मजदूरी का कटौती कारण पूछे जाने पर पहले तो इंजीनियर द्वारा गोलमटोल जवाब दिया जाने लगा, लेकिन जब दाल न गली तो इंजीनियर राकेश सोनी ने मजदूरों की कटी राशि 90 रुपए को जल्द ही उनके खाते में डालने की बात कही। डाल तो ना तो क्रॉस होत रही, 100 से ऊपर लेत मेरी सोआ, जिससे तुम्हारा पेमेंट करते हैं अभी 190 ज्यादा ज्यादा, 200 रुपए भर के देखते, 199 भर के देखो, वहाँ एंट्री नहीं ले, वैसी वाले केस हो है। अभी एक काबर दो 100 रुपए दो ना तो वही 20-25 हजार कुछ बचे मजदूरी पचरी बना लगा। बाकी जो 90 बोला था ना वो दर्री तालाब के नाम से निकाल कर भरूं भर बना, तब जाकर कहीं आक्रोशित ग्रामवासी माने। इसके बावजूद भी पूर्व में कटी राशि को लेकर ग्रामीणों की नोकझोंक इंजीनियर के साथ होती रही। इस मामले की जानकारी लगते ही जिला पंचायत सदस्य चंद्रकला ध्रुव व जनपद सदस्य कमल नारायण साहू भी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित जनता की ओर से इंजीनियर राकेश सोनी को इस मामले की जानकारी ली, जिस पर इंजीनियर राकेश सोनी ने आगामी 14 दिन के भीतर सभी मजदूरों के खाते में कटौती की गई 90 रुपये जमा करने की बात कही। तब कहीं जाकर मामले का पटाक्षेप हो पाया। इस दौरान ग्रामीणों ने जिला पंचायत सदस्य व जनपद सदस्य के समक्ष मनरेगा कार्य में चल रहे सभी गड़बड़ियों पर जांच की मांग कर उचित कार्रवाई करने की मांग की गई, जिस पर जिला पंचायत सदस्य व जनपद सदस्य ने सहमति जताते हुए जल्द ही इस पर कार्यवाही के लिए उच्चासीन अधिकारियों को पत्र लिखने की बात कही। ग्रामीणों ने बताया कि कैसे सरपंच व रोजगार सहायक द्वारा पिछले 2 सप्ताह से इसी तालाब पर श्रमदान कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि मस्टर रोल में प्रतिदिन हस्ताक्षर करना होता है, लेकिन सरपंच द्वारा श्रमदान करने के बाद ही हस्ताक्षर देने की बात कहकर जबरन मस्टर रोल में हस्ताक्षर करने से रोक दिया जाता है, जो कि मनरेगा कार्य के तहत बिल्कुल गलत है। इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मनरेगा के तहत देखने को मिली भारी अनियमितता। ग्राम कुर्रा में भी मनरेगा कार्य के तहत बाकी अन्य गांव की तरह भारी अनियमितता देखने को मिली। ना तो यहाँ पर ग्रामीणों की छाँव के लिए पंडाल लगाया गया था और ना ही अच्छे कुशल मेट की व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर कोई परमानेंट रोजगार सहायक नहीं है, जिसके चलते पूर्व में रहे रोजगार सहायक की मदद से किसी तरह से इस काम को निकाला जा रहा था। इसके अभाव में मस्टर रोल और उपस्थिति पंजी में भी भारी गड़बड़ी देखने को मिली। इस पूरे मामले पर अभनपुर जनपद के मनरेगा अधिकारी श्री देवांगन ने कहा कि मजदूरों के भुगतान की कटौती की बचत राशि 15 दिन के भीतर उनके खाते में डाल दी जाएगी। वहीं अनियमितता करने वाले के खिलाफ उचित कार्रवाई विभाग द्वारा की जाएगी। मनरेगा को लेकर हमारी रिपोर्टिंग में हमने हर जगह देखा कि जहां जहां पर इंजीनियर राकेश सोनी द्वारा कार्य कराया जा रहा है उन सभी जगहों पर भारी मजदूरी कटौती का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर हमारे द्वारा लगातार जाँच के लिए मनरेगा अधिकारी जनपद CEO शीतल बंसल और SDM सूरज साहू तक को अवगत कराया गया है। बावजूद इसके इस ओर किसी का भी ध्यान ना होना समझ से परे है।
ऐसे में अब यह देखना लाजमी होगा कि कुर्रा गांव के आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा किए गए विरोध से उच्च अधिकारी कोई सबक लेते हैं और मनरेगा के तहत अनियमितता करने वालों पर कोई बड़ी कार्यवाही करते हैं। जी, मजदूरी में कटौती के संबंध बताइए, क्या कहना है? हाँ भैया, हम सुबह लाख हम मजदूर के काम करा था, अस्कर का लद्दी फेंका था, आई पानी चुचवा, एक तो कोरोना दिन में आ है, तो मैं लद्दी लाऊ अस्कर बस्ता, तो हम काम करा था, तो मैं 190 रुपया पैसा आते, तो इंजीनियर हम पूरा काटा, आई तो मजदूर किसने करी, सरकार है गरीब आदमी बार सब बार पैसा भेजा थे, मजदूर करके मैंने इसने भुगता था, आई 100 रोजी आ है। आप लोगों की क्या मांग है? पूरा मजदूरी हुआ ना हमारा, पूरा मजदूरी चाहिए, हाँ पूरा मेहनत करे, सब गरीब जनता पे। आपने आपके जो मेट है रोजगार सहायक है, जो जो काम आप लोग को बोले हैं नियमित, आप सभी वो काम की पूरी तरीके से किए हो आप सभी लोग? हाँ करा था, जैसे कहा तो वैसे करा था, मेट मन बात लगाना था। जी, आपका नाम? कीर्ति। जी, मजदूरी में कटौती को लेकर यहाँ पर कुर्रा गांव के ग्रामीण काफी आक्रोशित है और यहाँ पर एक महिला भी है। जी बताइए, क्या कहना है आप? यहाँ 190 रुपया में रोजी देवो करके लद्दी निकाल रहे और 100 रुपया रोजी डाले। आपके खाते में कितना रुपया है इस सप्ताह काम लगे? अभी नेट में 100 रुपया है एक हफ्ता का। तो आप क्या चाहते हैं कि पूरा पैसा? 190 रुपया देना चाहिए। जी, आपका नाम? इतना लद्दी निकाल रहे भैया तो 100 रुपया कमावे तक इससे पड़ी। 190 रुपया ही रोजी है तो 190 रुपये रोजी चाहिए। जी, आपका नाम बताइए। कुंती भाई जी, बताइए मजदूरी कटौती के संबंध में आज जो आप लोग सब आक्रोशित हैं इस संबंध में बताइए, क्या कह रहे हैं? अरे मेट मुंशी लोग जैसा जैसा बोल रहा है, 14x14 कर रहा है, 1 फुट गहरा दो कर रहा है, तो 12x12 में 1 फुट गहरा भी दे रहा है, माटी तो 300 मीटर दूर भी ले जाके फेंक रहे है, बोलता है कि तुम लोगों को रोजी 190 रुपया की दर से चढ़ेगा, तो अभी चढ़ा है 100 रुपया की ही दर से आया है रोजी, तो इस हिसाब से डाला गया अभी 100 रुपया। इस संबंध में आपने रोजगार सहायक से जानकारी जुटाई? रोजगार सहायक बोलता है कि हम लोग तो 190 रुपया की दर से लिख पढ़ के दे दिए है, कहाँ से? उधर से काट के दे रहा है इंजीनियर, तो हम लोग क्या करे बोलता है। अच्छा जी, आपका नाम? जितेंद्र साहब। चलिए जी बताइए। गड्ढा ला दे तो अपना गड्ढा ला, हम खन खन के पूरा 300 किलोमीटर तक जहाँ फेंक कर बोला थे मेटमन वहाँ फेंका था हमारा भाई, काबर हमार गांव के गुजारा है, हमार गांव नहाना है, काय गंदगी पैदा मत हो, ऐसे टाइप के हम नहाना पूरा हमार मस्त काम करा था, ओकर बाद में हमारे मन के रोजी है 100 रुपया अलग से, लॉकडाउन चला थे, घर में खाए पिए बस भीतम गई हुआ थे, हम काकर कर हर गाँव में और नहीं थे घरों घर पूछा थे, हमार गाँव पूछे भी नहीं है, यहाँ तक तब हम खुश जन काबर हमार मन के रोजी मजदूरी चला थे, बाकी आज हम लखर पैदा हुआ थी हम के 100 रुपया है और हफ्ता में 2 बेर हम श्रम दान भी करा था, काबर हमला नहाना है हमला गुजारा करना है, मतलब आपका कहना है श्रम दान कर श्रम दान भी कर रहे हैं पूरा मेहनत कर रहे हैं इसके बावजूद भी पैसे क्यों कट रहे हैं? वही तो हमन बोला था ना, इस संबंध में आपके रोजगार सहायक मेट क्या बोलते हैं? वो बोला थे कि हम पूरा रोजी लिख के दे दे, अब का कारण कटा तेल तुम जानो का हाथ में। जी, आपका नाम बताइए। मीना भाई गिंडरे। जी, मजदूरी में कटौती को लेकर यहाँ पर कुर्रा गांव के ग्रामीण काफी आक्रोशित है और यहाँ पर एक महिला भी है। जी बताइए, क्या कहना है आप? यहाँ 190 रुपये में रोजी देवो करके लद्दी निकाल रहे और 100 रुपये रोजी डाले। आपके खाते में कितना रुपया है इस सप्ताह काम लगे? अभी नेट में 100 रुपया है एक हफ्ता का। तो आप क्या चाहते हैं कि पूरा पैसा? 190 रुपया देना चाहिए। जी, आपका नाम? इतना लद्दी निकाल रहे भैया तो 100 रुपया कमावे तक इससे पड़ी, 190 रुपया ही रोजी है तो 190 रुपये रोजी चाहिए। जी, आपका नाम बताइए। कुंती भाई साहब। हमारे साथ यहाँ पे कुर्रा गांव के ग्रामीण हैं और काफी आक्रोशित है यहाँ पर आज मजदूरी में कटौती को लेकर। जी बताइए। 190 रुपया रेट है, जब 100 रुपया रोजी आए हमारे फेंका। जी, तो आज आप सब लोग काम यहाँ पे जो बंद किए हैं जनरली उसका कारण क्या है? देखे से हम रोक। जी, आपका नाम? जी बताइए। यहाँ मुझे जनताओं के द्वारा जानकारी मिला कि हमें धोती का काम कर रहे हैं लेकिन हम लोग को 100 रुपये मिल रहा है। जी, इस जानकारी को मैं यहाँ आकर संपर्क किया तो यहाँ
जनता बता रहे हैं कि हम लोग को 100 रुपए बस मिल रहा है। हम लोग इंजीनियर से मुलाकात करके बात किए तो 14 दिन का समय मांगा है और 14 दिन के अंतर्गत हम लोग पैसा वापस कर देंगे, और अगर ये पैसा वापस नहीं होगा तो ऊपर कार्यवाही करेंगे। आपका नाम? कमल नायन साहू, जनपद। हमारे साथ यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य और जनपद सदस्य यहाँ पर हैं, वही हम उनसे जानते समझ में। जी बताइए मैम, यहाँ पर आपका कैसे आना हुआ और क्या चाहिए? यहाँ मतलब गारंटी में कुछ काम के मामले से जानकारी के लिए आए और नहीं पता चले पैसा कट रहे हैं। इस मामले की समझाने पहुंचे हैं, इंजीनियर भी हैं साथ में, टीचर चौधरी है जी, और वो बोल रहे हैं कि 14 दिन के अंदर में डाल देंगे। जो कटा इनका जो कटी हुई राशि 90 रुपए वो 14 दिन के अंदर अंदर में डाल देंगे। और जैसे ये सब नहीं हो पाया था, नहीं हो पाएगा। अच्छा, श्रमदान से संबंधित आपने भी समस्याएं सुनी होगी कि कैसे सरपंच द्वारा यहाँ पर जनरली मनरेगा में उपस्थिति पंजी में साइन को रोककर हस्ताक्षर ना करवाकर श्रमदान के बाद ही कराने के बाद, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जी जैसे यहाँ पैसा नहीं है तालाब में जी, तो यहाँ बुनियादी करना चाहिए जी कि जो श्रम में काम श्रमदान में काम करना है जी वो जाए जी, जो श्रमदान में काम करने के लिए यहाँ आने वो आते जी। बस जी। आपका नाम? चंद्रकला ध्रुव। मनरेगा कार्य के इंजीनियर राकेश सोनी यहाँ पर उपस्थित है। सोनी जी बताइए, ग्रामीण काफी आक्रोशित है 90 रुपए की जगह इनको 100 रुपए मिलने से, तो बाकी बचे पैसे आप किस तरीके से इनके फंड में भेजेंगे, इनके खाते में डलवाएंगे? तो क्या पूरा जैसे मस्टर रोला भरते हैं 190 रुपए रहता उसी हिसाब से जाएगा कि सिर्फ 90 रुपए जाएगा? और इनको काम करना पड़ेगा ग्रामीणों को इसके लिए, और काम नहीं किसी कारणवश से दो एक ही तालाब में दो तालाब नाम से सेंशन हुआ है, दर्री शीतल नाम से सेंशन के बड़ा तालाब है जी जी, तो उस कंफ्यूजन में इन लोग एक्स्ट्रा पेमेंट हो रहा है जी, हिसाब से 100 रुपए अभी पेमेंट किए, 90 रुपए बाद में चले जाएंगे। दूसरी चीज, ग्रामीणों में यह भी बहुत ज्यादा क्रोश का कारण है कि इन्हें हर सप्ताह एक श्रमदान कराया जा रहा है, क्या आपके ऐसा नियम मनरेगा में है? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे आज ही पता चला कि श्रमदान होता है करके, और श्रमदान कर रहे इसका मतलब एक ही पंचायत करवा रहा है, पंचायत करा रहा है। तो पंचायत मनरेगा का इससे क्या रोल है कि मनरेगा में जो उपस्थिति पंजी होती है इसमें मेयर द्वारा रोजगार सहायक द्वारा साइन नहीं करवाया जाता, ये कहकर कि अनिवार्य इस पर क्या फिर कार्रवाई करेंगे आप मेयर रोजगार सहायक के ऊपर? बस इतना ही, साइन होगा। चलिए जी, 14 बाई 14